अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे जी। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के डिलीशियस एंड यम्मी चिकन नूडल डोनट्स। तो देखते हैं हम कैसे बनाएंगे इसे, और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें चाहिए इसके लिए 5 उबले हुए आलू जिनको हमने ग्रेट कर लिया, 1/2 kg बॉयल्ड एंड श्रेडेड चिकन, 1 पैकेट बॉइल्ड मसाला नूडल्स, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 पैकेट नूडल मसाला, ब्रेड क्रम्स, 2 एग्स। बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने सबसे पहले बाउल में ऐड कर दिए बॉइल्ड आलू। उसके बाद हम अपने सारे जितने भी स्पाइसेस थे वो 1 by 1 ऐड कर देंगे सारे। आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो डोनट्स हैं ये जो लाइट अच्छे लगते हैं, ना ज़्यादा स्पाइसी और ना ज़्यादा फीके। फोर्क की मदद से हल्के हाथों से हम अपने मिक्सचर को मिक्स करेंगे। अब आ रही है इसमें नूडल्स ऐड करने की। नूडल्स ऐड करने के बाद भी हम हल्के हाथों से फोर्क के साथ मिक्स करेंगे मिक्सचर को, ताकि जो नूडल्स हैं वो टूटे नहीं। मिक्सचर जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। इस पॉइंट पे आप इसमें नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, कम है तो आप और ऐड कर सकते हैं। अब हाथों को ग्रीस करेंगे ऑयल की मदद से, और एक पोर्शन उठाएंगे और डोनट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। अच्छे से प्रेस करते जाएंगे। प्रेस करते हुए इसे सर्कुलर मोशन में हम घुमाएंगे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। अब फिंगर की मदद से इसमें होल करेंगे। अब इस होल को जो है बड़ा करते जाएंगे हम, और हमारा जो डोनट्स है वो रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से हमने सारे डोनट्स बना लिए। अब बारी इन्हें फ्राई करने की। उसके लिए हमें चाहिए 2 अंडे, जिसमें हमने काली मिर्च और नमक डाल के उसे अच्छी तरह से बीट कर लेना है। वन बाय वन डोनट्स को उठाते जाएंगे। सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे हल्के हाथों के साथ, उसके बाद अच्छे से इसको हम लोग कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। ये काम आपने बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, ताकि जो डोनट्स हैं वो टूटे नहीं। बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। इसी तरह से हम अपने सारे जो हैं वो डोनट्स रेडी करते जाएंगे। अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। घी को हमने गरम कर लिया है, अब उसमें 1 by 1 डोनट्स को ऐड करते जाएंगे। दोनों साइड से गोल्डन कलर होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।